अरे प्रमोद, आज कहाँ जा रहे हैं सारे लोग? तुम्हारी भाभी किरण बता रही थी कि आशा दीदी के साथ आज कोई मीटिंग है। चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं। हम भी आ जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज जन आरोग्य समिति की मासिक मीटिंग है। मैं सरपंच और जन आरोग्य समिति की अध्यक्ष होने के नाते मीटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ व वेलनेस सेंटर पर जन आरोग्य समिति बनाई गई है ताकि लोगों को सभी तरह की गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रवि आए हैं, वे समिति के सह अध्यक्ष हैं। नमस्कार। अब तक तो लोग अस्पताल केवल बीमारी के इलाज के लिए आते थे, पर अब हम जास के सदस्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। इस केंद्र पर आपकी सेवाओं के लिए एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO नियुक्त की गई है। मैं चाहूंगा कि वे आपको जन आरोग्य समिति के विषय में विस्तार से बताएं। मैं कम्युनिटी हेल्थ अफसर श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जन आरोग्य समिति की सदस्य सचिव भी हूँ। अरे वाह, आप लोगों की क्या जिम्मेदारियाँ होती है? मैं जास की मीटिंग की अध्यक्षता करती हूँ और सरकारी विभागों से तालमेल करती हूँ। मैं सभी लोगों को समय पर और सही इलाज सुनिश्चित करता हूँ। इसके अलावा मैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग की अध्यक्षता करता हूँ। सदस्य सचिव होने के नाते जास का संचालन करना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे नियमित मासिक बैठक करवाना, फंड का प्रबंधन करना और समुदाय को जोड़ना। जास के अन्य कौन कौन से सदस्य होते हैं? जास के 18 से 20 सदस्य होते हैं। जास में ग्राम पंचायतों के सरपंच, आशा, ANM, सभी गाँव के स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष, स्कूल हेल्थ एम्बेसडर, हमारे स्कूल की अध्यापक, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष आदि भी सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य वंचित समुदाय से और 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। जास में समुदाय से कुछ आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। एक बात और, हमारी PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जन आरोग्य समिति है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य इस समिति का अध्यक्ष और ब्लॉक मेडिकल अफसर सह अध्यक्ष होते हैं। मैं इसका सदस्य सचिव हूँ। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र के जास के अध्यक्ष दूसरे मेडिकल अफसर, स्टाफ, नर्स आदि भी सदस्य होते हैं। जन आरोग्य समिति काम क्या करती है? जन आरोग्य समिति के 4 मुख्य काम है। पहला, सभी को यह सुनिश्चित करना कि केंद्र समय पर और नियमित खुले ताकि सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, सबको यहाँ जांच और दवा नियमित रूप से मिल सके, साफ सफाई रहे आदि। दूसरा, सभी स्वस्थ रहें उसके लिए कई कार्यक्रम करना, जैसे नियमित योग के सेशन करना, पौष्टिक आहार खाने के लिए सभी को प्रेरित करना, सफाई रखना जिससे बीमारियां पैदा ही ना हो, और भी बहुत कुछ। हम सबको इन कार्यक्रमों में समय समय पर जोड़ेंगे व आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। तीसरा, आप लोगों के सुझावों शिकायतों पर काम करना। इसके लिए हमने केंद्र पर एक सुझाव एवं शिकायत पेटिका रखी है, जिसमें आप एक पर्ची पर अपने सुझाव लिखकर डाल सकते हैं। सभी की सुविधा के लिए आप लोगों के सुझावों के अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था करना, बैठने की व्यवस्था करना और केंद्र के रखरखाव के लिए सब हेल्थ सेंटर के जास को हर साल सरकार से 50,000 रूपए की धनराशि मिलती है और PHC की जैस को 1,75,000 रूपए की सालाना धनराशि मिलती है। चौथा काम है, साल में एक बार स्वास्थ्य सेवाओं पर आपकी राय ली जाएगी और जन संवाद आयोजित किया जाएगा। अगले सप्ताह होने वाले जन संवाद की जानकारी आप सभी को है ना? आप सबको आना है। आज के जन संवाद में हमें बच्चों के कुपोषण, स्वच्छता, स्वच्छ पीने के पानी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए आपके सुझाव मिले हैं। हम आपके साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का हल निकालेंगे। हम आप सभी के सहयोग एवं भागीदारी से स्वस्थ भारत की परिकल्पना पूरी कर सकेंगे।